हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आप लोगों के लिए चला रहे हैं सीएमए मैराथन सीरीज, जिसके अंदर हम लोग आपको आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सारे के सारे सब्जेक्ट्स की करवाने वाले हैं रिवीजन। तो सारे के सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेगा फास्ट रिप्लाई, क्या आप लोगों को मेरा वॉल्यूम क्लियर आ रहा है? यस और नो, जल्दी से रिप्लाई दे दीजिएगा। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून कृतिका, क्या मेरा वॉल्यूम आप लोगों को प्रॉपर वे में आ रहा है? यस और नो, जल्दी से रिप्लाई दे दीजिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे और कंटिन्यू बात करेंगे हम लोग हमारे सिलेबस के बारे में, टॉपिक्स के बारे में, और जो अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं उसके बारे में भी, और जो आज करने वाले हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास को। जल्दी से रिप्लाई दे दीजिए सारे के सारे स्टूडेंट्स। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके इस मैराथन का। ओके, जल्दी से करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बात करें हम लोग हमारी प्रीवियस क्लास के बारे में, तो प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या किया? प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा NAS 110 स्टार्ट किया, और उसके कुछ एडजस्टमेंट हम लोगों ने देखे थे। और अगर मैं एडजस्टमेंट के बियाफ पे आप लोगों से बातचीत करता हूँ, तो एडजस्टमेंट के अंदर हम लोगों ने जो जो एडजस्टमेंट देखे हैं, उन एडजस्टमेंट के अंदर सबसे पहला एडजस्टमेंट मैंने आप लोगों को बताया रिलेटेड टू द एबनॉर्मल एंड अनइवन आइटम्स के बारे में, राइट? सबसे पहला मैंने आपको जो एडजस्टमेंट बताया, वो एडजस्टमेंट आप लोगों को बताया गया एबनॉर्मल और अनइवन आइटम्स के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने बात की रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कि जब करंट एसेट्स का रीवैल्यूएशन होता है तो क्या इंपैक्ट आता है, और जब फिक्स एसेट्स का रीवैल्यूएशन किया जाता है तो उस केस के अंदर हम लोगों को क्या क्या एडजस्टमेंट करने होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बातचीत की थी, राइट? आज बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद इसके आगे वाले क्या करने वाले हैं, इसके आगे के जितने भी एडजस्टमेंट हैं उनके बारे में क्या करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। मुझे बता देंगे कि इससे पहले वाली क्लासेस से सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी आज के आगे के पार्ट को, और हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू एडजस्टमेंट के साथ, कि और कौन कौन से एडजस्टमेंट हमें देखने को मिलते हैं NAS 110 के अंदर, राइट? चलिएगा। तो आज का सबसे पहला मैं जो आपको एडजस्टमेंट बताने जा रहा हूं, वो एडजस्टमेंट किसका है? वो एडजस्टमेंट है हमारे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। जी हाँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून योगेश। तो अगर मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में बात करूं, कि काफ़ी बार हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में कुछ गलतियां कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में बहुत सारी क्या कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। तो उनके अंदर हम लोग जनरली कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं? एक तो होती है एरर ऑफ ओमिशन, और एक होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है किसी भी तरीके की एंट्री को रिकॉर्ड करना हम लोग भूल जाएं, और एरर ऑफ प्रिंसिपल का क्या मतलब है, कैपिटल नेचर को मैं रिकॉर्ड करूं एज अ रेवेन्यू नेचर, और रेवेन्यू नेचर को मैं कैसे रिकॉर्ड करूं एज अ कैपिटल नेचर, जब मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं उसे कहते हैं हम लोग एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो बोला गया Before preparing consolidated financial statement, we must rectify the errors. इसका directly हम लोगों को impact कहाँ देना होता है,
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, एओपी के अंदर इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया जाएगा। इसका डायरेक्टली जो एडजस्टमेंट होगा वो एडजस्टमेंट हम लोगों को कहां देना होगा, डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। किसी एसेट्स को मैं रिकॉर्ड करना भूल गया तो डायरेक्टली मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस एसेट्स के अंदर इसको क्या करूंगा, इंक्लूड करूंगा, राइट। इसके बाद मैं चल रहा हूं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ जिसका नाम है इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस। और एडजस्टमेंट नंबर 4 जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रा आइटम्स या फिर इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस के बारे में हम लोग करने वाले हैं बातचीत। देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा अच्छे से। एक है ए लिमिटेड, एक है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने अक्वायर कर लिया बी लिमिटेड के 70% शेयर्स को। जिस डेट पे अक्वायर किया उस डेट पे कौन सा इंड एएस एप्लीकेबल होगा? अगर उस डेट पे मैं इंड एएस के बारे में बात करूं तो उस डेट पे इंड एएस एप्लीकेबल होगा 103। और जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आएगी उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या बनेगा, कौन सा इंड एएस फॉलो होगा, 110, जिसके अंदर हमें क्या बनानी पड़ेगी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बनाने पड़ेंगे। और उसके अंदर हमें जनरली क्या बनानी होगी, उसके अंदर जनरली हमें बनानी होगी बैलेंस शीट। बात आती है कि सर ये कॉन्ट्रा आइटम्स क्या होते हैं, सबसे बड़ी बात क्या आती है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रा आइटम्स, कि ये कॉन्ट्रा आइटम्स क्या होते हैं। जब कभी भी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी आपस में कोई भी लेन देन कर रही है, चाहे मटेरियल को सेल कर रही है या परचेस कर रही है, एक दूसरे को बीपी बीआर दे रही है, एक दूसरे को लोन दे रखा है, एक दूसरे को डिबेंचर्स दे रखे हैं, तो इस केस के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन कौन से ट्रांजेक्शन कहलाते हैं, इंट्रा कंपनी ट्रांजेक्शन, या फिर इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्रीज, राइट। अब इसके अंदर हम लोगों को किन किन चीजों को कि इसका एडजस्टमेंट किस अकॉर्डिंग किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको इंड एएस 103 के अंदर भी इन ट्रांजेक्शन के बारे में बताया था। अगर हम लोग बात करें डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के बारे में, तो इसका कहीं पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट केवल कहां दिया जाएगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे इसका इफेक्ट दिया जाएगा। अब उसका एक एग्जांपल मैंने आपको यहां बता रखा है, देखिएगा और समझिएगा। एच लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू एस लिमिटेड ऑन क्रेडिट 40,000। एच लिमिटेड ने गुड्स को कहां, कितने को बेचा, एस लिमिटेड को कितने रुपए में बेचा, 40,000 रुपए में। एच लिमिटेड के क्रेडिटर्स कितने के हैं, 40,000 के। डेटर्स की बात करें एच लिमिटेड के हैं 70 और एस लिमिटेड के कितने हैं, 50,000। एच लिमिटेड ने गुड्स किसको बेचा है, एस लिमिटेड को, तो एच लिमिटेड को पैसे मिलना बाकी है। तो एच लिमिटेड के डेटर्स के अंदर क्या इंक्लूड होंगे, अमाउंट इंक्लूड होगा कितने रुपए का, 40,000 का। तो जब हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो जब हम लोग डेटर्स लिखेंगे कंबाइंड, तो 70, 50, 120 में से जो कॉन्ट्रा आइटम है 40,000 का उसको मैं डिडक्ट कर दूंगा, तो अमाउंट कितने रुपए का आएगा, अमाउंट आएगा 80,000 का। ऐसे ही जब मैं क्रेडिटर्स की बात करूंगा तो 40,000 और जितने भी एस लिमिटेड के क्रेडिटर्स होंगे दोनों का टोटल करके उसमें से कितने रुपए लेस कर दूंगा, 40,000, तो अमाउंट क्या आ गया, इधर 0, क्योंकि यहां पे केवल क्रेडिटर्स एक ही ऑर्गेनाइजेशन के दिए हुए हैं। दैट्स व्हाई, बात क्लियर मेरी सभी को, रिलेटेड टू द डेटर एंड क्रेडिटर। जैसा कि आप लोग यहां देख रहे हैं 70, 50, 120 में से 40,000 लेस, और इसके लिए क्या जनरल एंट्री पास की जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, राइट। अब जैसा ही ये एडजस्टमेंट मैंने आप लोगों को बताया किससे रिलेटेड, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स से रिलेटेड, यही का यही एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड होता है, यही का यही एडजस्टमेंट होता है बीआर और बीपी का, बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल का। इन रेस्पेक्ट ऑफ बीआर एंड बिल्स पेबल, व्हेनेवर पेरेंट कंपनी ड्रॉ बिल ऑन द
subsidiary company or vice versa. It will create a liability for one and the assets for the another company. At the time of consolidated common value of BR and BP must be adjusted in their respective head. जिस तरीके से हमने बीपी डेटर्स के अंदर और क्रेडिटर्स के अंदर एडजस्टमेंट किया, वैसा ही एडजस्टमेंट हमें किसका करना पड़ेगा? बीपी एंड बिहार का भी सेम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. जनरल एंट्री क्या पास की जाएगी? बीपी अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, राइट. आगे अगर मैं बात करूं, एक एडजस्टमेंट इसके अंदर और होता है, लेकिन बीपी एंड बीआर के अंदर एक रूल भी है. उस रूल को भी ढंग से समझिएगा. क्या कह रहा है? सबसे पहले आपको बीआर की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. आइडेंटिफाई बीआर विच आर ड्रॉन ऑन द अदर कंपनी एंड द स्टिल विल हेल्ड. सच स्टिल हेल्ड वैल्यू शुड बी एलिमिनेटेड अंडर रेस्पेक्टिव हेड ऑफ द टाइम ऑफ द कंसोलिडेशन. हो सकता है कि उस बीआर को आपने कैश के अंदर कन्वर्ट करवा लिया हो, तो उस बीआर की वैल्यू हो चुकी है खत्म. तो जो बीआर इन हैंड होंगे केवल उन्हीं को ही हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है, ध्यान रखना है. उसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट है ट्रांजैक्शन ऑफ लोन. सेम बात, हो सकता है हमारी होल्डिंग लिमिटेड ने, जो हमारी सब्सिडरी लिमिटेड है, या तो होल्डिंग लिमिटेड ने 400,000 रुपए का लोन दे रखा है. किसको दे रखा है? एस लिमिटेड को. तो एस लिमिटेड की तो लायबिलिटीज के अंदर 400,000 का लोन इंक्लूडेड है और एच लिमिटेड की एसेट्स के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर लोन कितने का इंक्लूडेड है? 400,000. सपोज दैट अगर इसने 800,000 रुपए का और कहीं से लोन ले को और किसी को लोन दे रखा है, तो टोटल लोन कितने रुपए का हो गया? 12,00,000 का. लेकिन जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, इस 12,00,000 में से जो ये कॉमन आइटम है, 400,000 को क्या कर दिया जाएगा? लेस कर दिया जाएगा. तो लोन को केवल कितना दिखाया जाएगा? 800,000 रुपए ही दिखाया जाएगा. वैसे ही अगर मैं बात करूं लायबिलिटीज की, एस लिमिटेड की, अब ये लायबिलिटीज किसकी है? एच लिमिटेड की. तो इसकी लायबिलिटी 400,000 की, और सपोज दैट अदर जगह से लोन ले रखा है 200,000 का, तो टोटल लोन हो गया इसका 600,000 रुपए का. और एच लिमिटेड का लोन है 800,000 रुपए का, तो टोटल लोन का अमाउंट कितना हो गया? 14,00,000. और इस 14,00,000 में से मैं कितने रुपए माइनस कर दूंगा कॉमन आइटम के? 4,00,000. तो इसकी लायबिलिटीज के अंदर कितना अमाउंट दिखाया जाएगा? 10,00,000 रुपए का अमाउंट दिखाया जाएगा. डायरेक्टली एडजस्टमेंट भी किया जा सकता है. आप शो नहीं करना चाहते, डायरेक्ट एडजस्टमेंट के थ्रू भी आप इसको दिखा सकते हैं. बात आ गई सभी के समझ में? ऑनलाइन नहीं. अब ऐसे ही एडजस्टमेंट कौन से बैलेंस से रिलेटेड होते हैं? करंट अकाउंट बैलेंस से. तो जितना भी बैलेंस होगा उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट. सभी को मेरी बात यहां तक क्लियर है? इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, जैसा कि बेटा मैंने आपको पहले भी कहा था, इंड एएस 103 पूरा का पूरा काफी जगह पे कॉपी हो रहा है. किससे रिलेटेड, कहां कहां कॉपी हो रहा है? इस इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन के अंदर भी क्या हो रहा है? कॉपी हो रहा है. तो उनको किस तरीके से एडजस्ट करना है, हमने वहां पे भी पढ़ा और हम लोगों ने यहां पे भी पढ़ा. अब मैं लेकर के आ रहा हूं एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, जिसका नाम क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड स्टॉक रिजर्व. अब ये अनरियलाइज्ड स्टॉक होता क्या है, स्टॉक रिजर्व क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं. देखिए, एक है हमारी होल्डिंग लिमिटेड और एक है हमारी सब्सिडरी लिमिटेड. होल्डिंग लिमिटेड ने सब्सिडरी लिमिटेड को क्या किया? 100,000 रुपए का गुड सेल किया. होल्डिंग लिमिटेड ने जब गुड सोल्ड किया, दे अर्न प्रॉफिट 20%, राइट. अब इस 100,000 रुपए का जो गुड्स सेल किया गया एस लिमिटेड को, और जब कंपनी को अक्वायर किया गया, जब कंपनी को क्या किया गया? अक्वायर किया गया. तो इस 100,000 में 30,000 रुपी अभी भी स्टॉक क्या है? अनसोल्ड.
इसके अंदर अभी भी क्या है, अनसोल्ड। अब अगर ये अनसोल्ड स्टॉक है तो क्या मैं इसको 30,000 को एज इट इज दिखाऊंगा या कॉस्ट पे दिखाऊंगा? कॉस्ट पे दिखाऊंगा। तो इसके अंदर कितना परसेंट प्रॉफिट इंक्लूडेड है? 20% प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो 20% प्रॉफिट क्या हो गया? 6,000 रुपए का। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक की वैल्यू तो 24,000 दिखाई जाएगी, लेकिन इस 6,000 का क्या एडजस्टमेंट होगा, हमें इसके बारे में क्या करना है, डिस्कशन करना है। अब ये प्री प्रॉफिट में से एडजस्ट होगा या पोस्ट प्रॉफिट में एडजस्ट होगा, इसके बारे में हम लोगों को बात करनी है, राइट। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज है वो क्या है, समझिएगा कि जरूरी थोड़ी है होल्डिंग ने सब्सिडरी को सेल किया हो, सब्सिडरी भी तो होल्डिंग को सेल कर सकती है। तो हमारे पास कितनी सिचुएशन बनेगी? दो, एक बनेगी डाउनवर्ड, एक बनेगी अपवर्ड। अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को भेजा तो हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड सिचुएशन, और जब सब्सिडरी गुड्स बेचती है किसको, होल्डिंग को, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्ड सिचुएशन। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया दो सिचुएशन है, When goods are sold by holding company to the consolidated company, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, downstream या फिर downward transaction। और जब subsidiary company is selling goods to the parent company, then it is known as the upward। अब इसके accounting treatment के बारे में बात करें तो क्या कह रहा है, देखिए, Whenever goods are sold by holding company to its subsidiary company and subsidiary company having some unsold stock out of such ट्रांसफर, अगर पूरा का पूरा सेल किया जा चुका है तो उसका कोई एडजस्टमेंट करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर पूरा का पूरा गुड्स को क्या किया गया है, सेल कर दिया गया है, तो उसको सेल करने के बाद रिकॉर्ड उसके अनरियलाइज गेन से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर सेल नहीं किया गया है तो उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अल्टीमेट कहने का क्या है कि हमारा कुछ ना कुछ पार्ट क्या होना चाहिए, अनसोल्ड होना चाहिए, तभी हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। क्या स्टेप अप्लाई होंगे? सेम हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि सबसे पहले मुझे अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके बाद मुझे क्या कैलकुलेट करना है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने के बाद हम लोगों को सीधा का सीधा एडजस्टमेंट कहाँ दिखाना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है। सबसे पहले डिडक्ट फ्रॉम कंसोलिडेटेड P&L, कहां से डिडक्ट करना है, कंसोलिडेटेड P&L के अंदर से। ये नहीं आप प्री प्रॉफिट में से डिडक्ट करें, इसको आप हमेशा कहां से डिडक्ट करेंगे, कंसोलिडेटेड P&L। जब मैं स्टेप आपको लिखवा रहा था तो स्टेप नंबर 7 के अंदर अपन ने बनाया था कंसोलिडेटेड P&L, तो उसी में से इस अनरियलाइज गेन को क्या करना है, लेस करना है, और साथ ही साथ जितना भी अमाउंट है उसको कहां से डिडक्ट करना है, वैल्यू ऑफ स्टॉक से। और इसकी जनरल एंट्री क्या पास की जाएगी, कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट डेबिट टू अनरियलाइज्ड गेन अकाउंट। बात क्लियर? अब अपन अगर बात करें डाउनवर्ड ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, किससे बातचीत करें, डाउनवर्ड ट्रांजेक्शन से रिलेटेड अगर मैं बातचीत करूं तो क्या कह रहा है, डाउनवर्ड का मतलब पता ही है, जब क्या हो, व्हेनेवर गुड्स आर सोल्ड बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स, एक सेकंड वेट करेंगे, स्टेप वन तो हो गया हमारा, अभी हमें सिचुएशन कौन सी लेकर के आनी है, अपवर्ड वाली। व्हेनेवर गुड्स आर सोल्ड बाय सब्सिडरी टू द पेरेंट एंड पेरेंट हैविंग द अनसोल्ड, तो अपवर्ड ट्रांजेक्शन क्या होता है, डाउनवर्ड तो मैंने आपको बता दिया, अपवर्ड का मतलब क्या है, सब्सिडरी कंपनी किसको सेल कर रही है, होल्डिंग को, तो उस केस के अंदर हमें क्या एडजस्टमेंट करने की नीड है। तो वही हमें फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या, सबसे पहले अनसोल्ड स्टॉक का कैलकुलेशन करना है, उसके बाद किसकी वैल्यू निकालनी है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है। एडजस्टमेंट क्या होगा, अमाउंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम AOP, इसको कहां से एडजस्ट करना है, AOP में से एडजस्ट करना पड़ेगा। बट अब AOP में दो पार्ट होते हैं, प्री और पोस्ट, तो प्री और पोस्ट दोनों दे रखे हैं, तो सर प्री में से करें या पोस्ट में, क्वेश्चन के अंदर डेट दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। नोट,
If date of transaction is given, then deduct accordingly. अगर आपको क्वेश्चन के अंदर डेट दे रखी है तो हम लोग उस अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे. लेकिन अगर पूरा If date of transaction is not given, then we assume it a part of post transaction and it must be deducted after that time adjustment. जितने भी एडजस्टमेंट बता रहा हूं प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट आप लोगों ने देखा है टाइम एडजस्टमेंट के बाद ही क्या हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं. अच्छे से इस चीज का ध्यान रखना. जितने जो सिलेक्टेड एडजस्टमेंट हैं वो टाइम एडजस्टमेंट के बाद क्या हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं. सेम टाइम पे अप्लाई नहीं हो रहे हैं. बात क्लियर मेरी यहां तक सभी को? यस और नो जल्दी से रिप्लाई दे दीजिएगा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स वेरी गुड. चलिएगा. अमाउंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट ऑल्सो बी एडजस्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ स्टॉक. जर्नल एंट्री क्या होगी? अगर प्री का पार्ट हुआ तो प्री प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, पोस्ट का पार्ट हुआ तो पोस्ट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू अनरियलाइज्ड गेन. प्री प्रॉफिट पोस्ट प्रॉफिट टू स्टॉक और अनरियलाइज्ड गेन. जैसा कि यहां पे एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको डिटेल के अंदर सारी बातें बता रखी हैं, समझिएगा और सुनिएगा. S लिमिटेड सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख रुपए एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट टू H लिमिटेड. यहां पे वर्ड क्या बोला गया है, कितने की कॉस्ट का है, 1 लाख कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा है, 20%. आउट ऑफ दीज गुड्स गुड्स वर्थ 40,000 रिमेन्स अनसोल्ड विद द H लिमिटेड. राइट, तो ये 40,000 इसकी क्या है, कॉस्ट है या सेल प्राइस है? ये है इसका सेल प्राइस. कौन सा प्राइस है? सेल प्राइस. और प्रॉफिट की परसेंटेज किस पे दे रखी है? कॉस्ट पे दे रखी है. तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करूंगा, 40,000 इनटू 20 डिवाइड बाय 120. तो अनरियलाइज गेन कितना आ गया, 6667. कितना आ गया अनरियलाइज गेन, 6667 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. राइट, ऐसा ही एक एग्जांपल और यहां पे आपको मैंने दे रखा है. क्या कह रहा है देखो, एस लिमिटेड सोल्ड गुड्स रुपीज 50,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट. एच लिमिटेड आउट ऑफ सच गुड्स 40% रिमेन्स अनसोल्ड. ठीक है, समझना. 50,000 की कॉस्ट का गुड्स है, कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा, 40%. तो अगर इसका सेल प्राइस की बात करूं तो कितने रुपए आ जाएगा, 60,000 रुपए आएगा. 50,000 प्लस 40% कितना हो गया, 60,000 रुपए का, 70,000 का, क्यों सॉरी 50,000 प्लस 20% कितना हो गया, 60,000. अनसोल्ड स्टॉक कितना है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 40% 24,000. इसके अंदर पहले से ही क्या इंक्लूडेड है, प्रॉफिट इंक्लूडेड है. ये सेल प्राइस परसेंटेज किस पे दे रखी है, कॉस्ट पे दे रखी है. कैसे निकालूंगा, 20/120. तो कितने का अनरियलाइज गेन हो गया, 4,000 का हो गया आपका अनरियलाइज गेन. क्वेश्चन के अंदर डेट दे रखी होगी तो उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, एडजस्ट. अब क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी है तो इसको मैं कहां पे अप्लाई करूंगा, पोस्ट प्रॉफिट के अंदर अप्लाई करूंगा. ट्रीटमेंट, डिडक्ट फ्रॉम द पोस्ट प्रॉफिट, डिडक्ट 4,000 फ्रॉम द कंसोलिडेटेड वैल्यू ऑफ स्टॉक. राइट, मेरी बात समझ में आ गई यहां तक सभी के? यस और नो जल्दी से रिप्लाई. काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और मान के चलिए स्टॉक आएगा. मान के चलने की बात नहीं बोल रहा हूं, आएगा. मानने वाले वर्ड को हटा करके हम लोग सीधी सी बात करते हैं, क्या ये एडजस्टमेंट एग्जाम में आएगा? जी हाँ, अगर 6 बार क्वेश्चन आया है तो 6 के 6 बार ये एडजस्टमेंट भी आया हुआ है. मेरी बात सभी को क्लियर? बढ़ो मैं आगे. यस, चलिएगा. अब बात करते हैं एक और न्यू एडजस्टमेंट के बारे में.
unrealized profit and stock reserve on sale of assets by one company to another. अभी तो हम लोग केवल किसके बारे में बात कर रहे थे, स्टॉक. अब आपस में कंपनी ने एक दूसरे को क्या बेचे हैं, एसेट्स बेची है. कुछ नया नहीं होगा, पूरे के पूरे वही स्टेप क्या होने वाले हैं, अप्लाई होने वाले हैं. क्या स्टेप होगी सामने देखिए. सबसे पहला स्टेप क्या बोला, आइडेंटिफाई द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ कंसोलिडेटेड, कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड, तो आपके पास क्या आ गई, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स. अब एसेट्स की बुक वैल्यू आपके पास आ चुकी है और उसके अंदर रेट ऑफ प्रॉफिट को मैं अगर क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. एक बात बताओ, एसेट्स परचेज की उसकी वैल्यू नहीं दे रखी है आपको, तो ईयर के एंड की वैल्यू दे रखी होगी. उस ईयर की एंड की वैल्यू पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होगा ना, लेकिन आपको प्रॉफिट निकालना है तो बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो डेप्रिसिएशन जितना डिडक्ट हुआ होगा उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, वापस से एड बैक. जैसा कि हमने रीवैल्यूएशन के अंदर डेप्रिसिएशन को वापस से एड बैक करके क्या निकाला था, वैल्यू ऑफ एसेट्स निकाली थी, वैसे ही वैल्यू ऑफ एसेट्स निकालेंगे, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, रेट ऑफ प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे. हाँ, बुक वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा. लिसन वन मोर थिंग, मैंने एसेट्स को सेल किया 1/10/2022 को, बैलेंस शीट मेरे को दे रखी है 31/3/2023 को, तो जो 31/3/2023 को वैल्यू दे रखी होगी उसमें से क्या 6 months का डेप्रिसिएशन लेस हो रखा होगा या नहीं, तो क्या डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद प्रॉफिट को लूंगा, नहीं ना. मैंने एसेट्स को कब सेल किया था, 1/10 को, तो मेरे को कब की वैल्यू चाहिए, 1/10 की वैल्यू चाहिए, तो 6 महीने का जो डेप्रिसिएशन लेस हुआ है उसको वापस से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. ऐड करने के बाद ही मुझे किसके बारे में पता पड़ेगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, क्योंकि परसेंटेज जो प्रॉफिट की होगी वो एसेट्स की कॉस्ट के ऊपर ही कैलकुलेट होगी, राइट. अब अगर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तो मैंने बोला था 2 तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं, एक तो होते हैं अपवर्ड, एक होते हैं डाउनवर्ड. जब एच लिमिटेड एस लिमिटेड को सेल कर रहा है, तो सोल्ड बाय एच लिमिटेड टू एस लिमिटेड, इस केस के अंदर क्या ट्रीटमेंट होगा, सेम ट्रीटमेंट वही होगा जो स्टॉक के लिए आप करके आ चुके हो. अनरियलाइज प्रॉफिट कहां से लेस किया जाएगा, कंसोलिडेटेड पीएनएल में से भी लेस किया जाएगा, साथ ही साथ एसेट्स की वैल्यू में से भी क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा. और अगर वो एस लिमिटेड ने किसको होल्ड सेल किया है, एच लिमिटेड को किया है, तो उसके अंदर एओपी में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, या तो प्री का पार्ट हुआ तो प्री में से, पोस्ट का हुआ तो पोस्ट में से. अगर डेट नहीं दे रखी है तो ये किसका पार्ट होगा, पोस्ट ट्रांजेक्शन का पार्ट होगा, और साथ ही साथ कंसोलिडेटेड वैल्यू में से भी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, राइट. बात क्लियर सारी, चलूं आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ बढ़े. सिंपल सा एडजस्टमेंट है, जैसे स्टॉक का एडजस्टमेंट किया जाता है वैसे ही मैंने इसके लिए आपसे क्या की है, बातचीत की है. सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगेन मेक अ फास्ट रिप्लाई. यहां तक मेरी सभी बातें आप लोगों को क्लियर, यस और नो? चलिएगा. ट्रीटमेंट ऑफ इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स. व्हेनेवर वन कंपनी हेल्ड डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनी, सच ट्रांजेक्शन इज नोन एज इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स. हम लोगों ने क्या किया, होल्डिंग लिमिटेड ने सब्सिडरी लिमिटेड के डिबेंचर ले रखे हैं, या सब्सिडरी लिमिटेड ने किसके डिबेंचर्स ले रखे हैं, होल्डिंग के, तो इसे क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, राइट. सच ट्रांजेक्शन मस्ट बी कंसोलिडेटेड एज द इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन. तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कंसोलिडेशन के टाइम पे, समझिएगा. कैंसिल द वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स. भैया जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके तो इन्वेस्टमेंट में वैल्यू आ रखी है, और जिसने क्या कर रखा है,
डिबेंचर इशू कर रखे हैं तो उसकी डिबेंचर्स के अंदर क्या रखा है, एडजस्टमेंट आ रखा है, तो डिबेंचर मतलब लाइबिलिटीज में से भी मेरे को उस कॉमन वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, लेस, और साथ ही साथ मेरे को एसेट्स में से भी उसको क्या करना पड़ेगा, लेस। लेकिन जिस कंपनी ने डिबेंचर इशू कर रखे हैं वो तो हमेशा किस पे दिखाएगा, बुक वैल्यू पे दिखाएगा, लेकिन जिस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो किस पे दिखाएगा, मार्केट वैल्यू पे। तो दोनों के बीच में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। उस डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या पास करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री बोल लीजिए या फिर क्या बोल लीजिए, कैंसिलेशन एंट्री। अब ये कैंसिलेशन एंट्री इसने क्या बोली है, जितने भी डिबेंचर्स हैं अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। सपोज दैट डिबेंचर्स एक था 100 रुपए वाला, बट अभी मार्केट में इसकी वैल्यू कितने रुपए की चल रही है, 90 रुपए की चल रही है, तो हमें कितने रुपए का लॉस हो गया, कितने रुपए का गेन हो गया, 10 रुपए का। कितने रुपए का गेन हो गया, 10 रुपए, क्योंकि मार्केट में 90 का है, वैल्यू कैंसिल हो रही है 100 रुपए वाली, तो मुझे क्या हो गया, गेन। हो सकता है मार्केट में अगर 110 का चल रहा हो तो मुझे लॉस हो सकता है, तो यहाँ पे CPL क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अभी क्रेडिट हो रहा है तो बाद में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मतलब इसका इफेक्ट, अगर डिबेंचर की मार्केट वैल्यू में और फेस वैल्यू में कोई भी इफेक्ट आ रखा है तो उसका एडजस्टमेंट मैं किससे करूंगा, कंसोलिडेटेड P&L के अंदर उसका पूरा का पूरा इफेक्ट दिखाया जाएगा, राइट। जैसा कि यहां पर देखिए बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स ऑफ एस लिमिटेड, 1000 डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट का रखा है, कितने रुपए का रखा है, 1,15,000 रुपए का, और इसके 10% डिबेंचर्स हैं 100 रुपए वाले, कितने रुपए के हैं, 1,00,000। अब इन डिबेंचर्स को कैंसिल किया जाएगा तो जनरल एंट्री क्या पास होगी, आपके सामने है, देखिए 10% डिबेंचर्स कितने रुपए के थे, 1,00,000 रुपए के, इन्वेस्टमेंट वो क्रेडिट करूंगा, इन्वेस्टमेंट में वैल्यू कितनी आएगी, 1,15,000, तो हमें कितने रुपए का लॉस हो गया, 15,000 रुपए का लॉस हो गया, तो उसको कहां से एडजस्ट किया जाएगा, कंसोलिडेटेड P&L के अंदर से उस पूरे के पूरे अमाउंट को किया जाएगा एडजस्ट, राइट। बात क्लियर मेरी यहां तक सभी को, चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कह रहा है एडजस्टमेंट, समझिए। एडजस्टमेंट नंबर 8 है, किससे रिलेटेड, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंट पेबल, कि जब कभी भी डिविडेंट का अमाउंट पे किया जाता है, डिविडेंट का अमाउंट पे किया नहीं जा रहा है, डिविडेंट क्या है, पेबल है। क्या है, डिविडेंट पेबल, नाम भी यहां पे पहले ही मेंशन कर रखा है, डिविडेंड पेबल। डिविडेंड पेबल मींस डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट येट पेड। अच्छे से ध्यान रखना इस बात को कि डिविडेंड डिक्लेयर तो हो चुका है लेकिन अभी तक पे नहीं किया गया है। व्हेनेवर डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड फॉलोइंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। जब कभी भी डिविडेंड का डिक्लेरेशन होता है तो उस केस में हम लोगों को क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है उसके बारे में समझिए। सबसे पहले केस ए है, केस ए किसका है, अगर डिक्लेयर किया, किसने डिक्लेयर किया, पेरेंट कंपनी ने डिक्लेयर किया है, तो या तो आपने इसका बुक के अंदर पहले से एडजस्टमेंट कर रखा है या फिर आपने इसका कोई भी अभी तक एडजस्टमेंट नहीं किया है। तो बोल रहा है If dividend payable is already adjusted in the books of books, no need to require further adjustment. But such dividend must be shown in the consolidated balance sheet. कि हम भी फ्यूचर के अंदर हमें इतने डिविडेंड का पेमेंट करना बाकी है, आपने पूरा एडजस्टमेंट पहले से ही क्या किया है, कर रखा है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बैलेंस शीट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। बट इफ डिविडेंड पेबल येट नॉट एडजस्टेड इन द बुक्स, तो हमें किस तरीके से एडजस्टमेंट करना है समझिए। डिविडेंड डिक्लेयर्ड हुआ, डिविडेंड को डिक्लेयर करने की जनरल एंट्री क्या होती है, P&L अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल। डिविडेंड को पे करना है, डिविडेंड हमारी लायबिलिटी,
कहां से डिविडेंड का डिक्लेयर किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो मुझे क्या जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी? कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल। यहां पे बेटा बोला पहले एडजस्टमेंट हो रखा है, मतलब मैंने पहले लेस कर रखा है, तो मैं सीधा का सीधा एडजस्टमेंट कहां से करूंगा? पीएनएल के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। अब आपने केवल डिक्लेयर किया, अभी तक अमाउंट भी नहीं डिसाइड किया, आपने बोला 10% अमाउंट देंगे, तो इक्विटी शेयर होल्डर को कितना अमाउंट देना पड़ेगा? 10%, 10 लाख की शेयर कैपिटल है तो कितने रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा? 1 लाख रुपए का। कहां से करोगे? जितना मेरे पास प्रॉफिट है। तो एंट्री क्या पास करोगे? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल। नाउ सच डिविडेंड पेबल मस्ट बी शोन इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कहने का मतलब, अगर पहले से एडजस्टेड है तो मतलब पीएनएल में से पहले ही लेस हो चुका है, लेकिन अगर एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, आप अब एडजस्टमेंट करोगे, तो पहले तो कहां से माइनस करना पड़ेगा? पीएनएल से माइनस करना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड वाले में से। और दोनों केसेस के अंदर तो बैलेंस शीट के अंदर तो एज अ लायबिलिटी आपको क्या करना पड़ेगा? शो करना ही करना पड़ेगा। बात आ गई समझ में? एडजस्टमेंट का मतलब है पहले माइनस हुआ है तो आपको बैलेंस शीट में बस लायबिलिटी में दिखाना है। अगर पहले से एडजस्टेड नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंसोलिडेटेड पीएनएल में से भी लेस करना पड़ेगा, साथ साथ क्या करना पड़ेगा? बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी भी दिखाना पड़ेगा, राइट? अब दूसरा तरीका, दूसरा ट्रीटमेंट, When dividend is declared by subsidiary company, dividend किसने declare किया? Subsidiary company ने declare किया है। तो इसके अंदर भी दो चीजें, already adjusted in the books और yet not adjusted। समझना इसको। If dividend payable already adjusted, then we must add dividend payable to current year profit to cancel the एंट्री। अगर आपने डिविडेंड का एडजस्टमेंट कर दिया है तो आपने गलत किया करके, आपकी कंपनी का क्या हो चुका है? टेक ओवर हो चुका है। तो अब आपने जो एंट्री पहले पास की पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल, तो उसको कैंसिल करने की अपोजिट एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या? डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल ओनली। कंसोलिडेटेड पीएनएल तो कौन ओपन करती है? होल्डिंग। सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड को पे करने के लिए क्या एंट्री पास की थी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल। कैंसिल करने के लिए क्या एंट्री पास की जाएगी? डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। बात आई समझ में? अगर एडजस्टमेंट नहीं हो रखा है तो क्या करना पड़ेगा? If dividend payable is yet not adjusted, then no need to add back. अभी तक आपने माइनस ही नहीं किया है तो वापस से एड करने की जरूरत है क्या पीएनएल के अंदर? बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है? कैलकुलेट द एनसीआई इन सच डिविडेंड पेबल। जब डिविडेंड दिया जा रहा है, मैंने 70% अक्वायर कर लिया है, कितना परसेंट अक्वायर किया है? 70। तो 30% किसका पार्ट है? एनसीआई का। तो पहले मुझे किसका पार्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा? एनसीआई का पार्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सच शेयर मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम सच डिविडेंड मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब आपको पहले क्या करना है? कैलकुलेट शेयर ऑफ एनसीआई इन सच डिविडेंड। सच शेयर मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द एनसीआई एंड विल शोन सेपरेटली इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, राइट? हाँ, ये जब बुक में एडजस्ट है उसी का ही पार्ट है, राइट? बात आ गई सभी को समझ में? सभी को मेरी बात ये क्लियर है? काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना है। दो तरीके हैं। पहला तरीका मैंने क्या बोला? जब होल्डिंग सब्सिडरी को कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब सब्सिडरी किसको बेच रही है? होल्डिंग के सब्सिडरी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो इस केस के अंदर कितने एडजस्टमेंट हो सकते हैं? दो। या तो आपने अपनी बुक के अंदर पहले से क्या कर रखा है उसको एडजस्ट, या फिर आपने उसको एडजस्ट नहीं कर रखा है। अगर एडजस्ट कर रखा है तो इसकी वापस से क्या करनी पड़ेगी?
कैंसिल एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या पास करनी पड़ेगी? पहले तो पास करो कैंसिल एंट्री, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, यू हैव टू पास अ कैंसिल एंट्री। एंट्री क्या होगी? डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। उसके बाद किसका शेयर पास करना पड़ेगा? एनसीआई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उसके अंदर सच शेयर मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एनसीआई। एनसीआई में से उसकी वैल्यू को क्या कर दो? डिडक्ट कर दो, और साथ ही साथ शोन सेपरेटली इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। एक बात बताओ, आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, प्री प्रॉफिट या पोस्ट प्रॉफिट का पार्ट होगा, उसी के बिहाफ पे पोस्ट प्रॉफिट में से आपने उसका एडजस्टमेंट किसके अंदर कर दिया? एनसीआई का पार्ट निकालते हैं पोस्ट के अंदर। तो उस पोस्ट में से पहले से ही अमाउंट क्या है? डिडक्टेड हो चुका है। किसका? डिविडेंड पेबल। एनसीआई वाले पार्ट को अपन ने क्या कर रखा है? डिडक्ट। हम लोग वापस से एनसीआई के अंदर भी शो करें और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में अलग से डिविडेंड पेबल को शो करें, तो दो बार ट्रीटमेंट हो गया ना। एक तो आपने उसको 30% एनसीआई में पहले ही ऐड कर रखा है, साथ में आप अलग से बोल रहे हो उसको शो करो, तो अकाउंटिंग कितनी बार हो जाएगी? दो बार। ऐसा नहीं करना है, जितना भी पार्ट एनसीआई का है उस एनसीआई के पार्ट को एनसीआई की वैल्यू में से डिडक्ट कर लो, और उसको बैलेंस शीट में क्या दिखाओ? अलग से दिखाओ। मैं समझाता हूं कैसे। कंपनी के 10 लाख शेयर कैपिटल थी, 10 लाख शेयर्स थे, एक शेयर था 1 रुपी वाला। कंपनी ने बोला मैं डिविडेंड कितना डिक्लेयर करूंगी? 10%। तो डिविडेंड टोटल कितना दिया जाएगा? 1 लाख। हमारे पास शेयर होल्डिंग थी 70 लाख की, मतलब 70% की। हमारे पास शेयर होल्डिंग कितने की थी? 7 लाख रुपए की। एनसीआई कितने की थी? 3 लाख रुपए की। हमने डिविडेंड का पहले ही क्या कर रखा है? पूरा का पूरा एडजस्टमेंट कर रखा है। क्या कर रखा है? डिविडेंड का पूरा एडजस्टमेंट कर रखा है पहले से ही। एनसीआई एट द बैलेंस शीट डेट आपको क्वेश्चन के अंदर बता रखा है 10 लाख रुपए का। मुझे एक बात बताओ, क्या इस 10 लाख के अंदर पहले से ही ये 3 लाख रुपए इंक्लूडेड है क्या? जब मैं पूरे एडजस्टमेंट कर चुका हूं तो इस 10 लाख के अंदर पूरा का पूरा अमाउंट पहले से ही क्या होगा? इंक्लूड होगा। तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के अंदर एनसीआई केवल कितना दिखाएंगे? 7 लाख। और अलग से क्या दिखाऊंगा? डिविडेंड पेबल, कितने रुपए का डिविडेंड पे करना बाकी है? 3 लाख रुपए का डिविडेंड पे करना बाकी है। यही बात यहां पे मैंने मेंशन कर रखी है। कैलकुलेट द शेयर ऑफ एनसीआई, सच शेयर मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एनसीआई एंड विल शोन सेपरेटली इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर उसको क्या दिखाना पड़ेगा? सेपरेटली। यहां पे पहले मुझे कैंसिल एंट्री पास करनी है, और जब कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो रखा है तो केवल कैंसिल एंट्री पार्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी एडजस्टमेंट क्या होगा यहां पे मैंने मेंशन कर रखा है, नॉट येट एडजस्टेड द वैल्यू ऑफ एनसीआई विल बी शोन सेपरेटली इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। जब एडजस्टमेंट नहीं हुआ है तो एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं है तो एनसीआई पहले ही बुक में कितने रुपए का दिखा रखा होगा? 7 लाख रुपए का। तो इसमें से उस 3 लाख को वापस लेस करने की जरूरत है क्या? नहीं है ना उस 3 लाख रुपए को लेस करने की। तो एनसीआई तो 7 लाख का 7 लाख दिखा दूंगा, और बैलेंस शीट के अंदर डिविडेंड पेबल कितने रुपए का दिखा दूंगा? 3 लाख रुपए का। आई बात? एडजस्टेड है तो एनसीआई में से भी लेस करना पड़ेगा, और नहीं है तो लेस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आ गई बात समझ में? चलिएगा आगे। डिविडेंड काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट प्रोबेबल सारे एडजस्टमेंट मैं आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड बता चुका हूं। अब आ जाओ नेक्स्ट एडजस्टमेंट के ऊपर, जिसका नाम क्या है। पहले तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेक अ फास्ट रिप्लाई, क्या मेरी सारी बातें यहां तक आप सभी को क्लियर हैं क्या? हाँ या ना में रिप्लाई दे दीजिएगा। मेक अ वेरी फास्ट रिप्लाई। चलो मैं आगे।
देखिएगा और समझिएगा। नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ शेयर्स बाय पेरेंट कंपनी टू द बट कंट्रोल एग्जिस्ट। कहने का मतलब क्या है? देखो, आपने पहले 30% शेयर ले रखे थे, बाद में आपने 50% शेयर्स और ले लिए, टोटल कितने हो गए? 80%। एनसीआई की वैल्यू कितनी रह गई? 20%। बट फ्यूचर में आपने क्या किया, इस 80% में से 28% मार्केट के अंदर वापस से क्या कर दिए? सेल कर दिए। तो आपके पास कितने रह गए? 52%। और एनसीआई कितना हो गया? 48%। राइट, आपने 28% जैसे ही सेल किए तो 80 में से 28 गए, तो आपके पास होल्डिंग कितनी रह गई? 52%। 20 से इधर कितने हो गए? 48। कैसे? 20 पहले थे और 20% और हो गया, तो कितने हो गए? 48। बट मुझे एक बात बताओ, पहले आपके पास 80% था तो भी आप होल्डिंग थे, अभी 52 है तो भी आप क्या हो? होल्डिंग हो। आपकी होल्डिंग के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट आया क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आया है। तो इस केस के अंदर आपको क्या निकालना पड़ेगा? जितना भी इन्वेस्टमेंट सेल किया है उसकी पहले तो निकालनी पड़ेगी कैरिंग अमाउंट। क्या निकालनी पड़ेगी? कैरिंग अमाउंट को। देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ होल्डिंग सोल्ड बाय पेरेंट कंपनी। अब कैरिंग अमाउंट का कैलकुलेशन करने के बाद आपको निकालना है कि लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है। जितने में सेल किया माइनस कर दो कैरिंग वैल्यू को, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें गेन हुआ है या फिर क्या हुआ है, लॉस। अब बात आती है कैरिंग अमाउंट कैसे निकलता है, तो उस डेट पे आपको सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? नेट एसेट्स। और नेट एसेट्स का मैं कितना परसेंट पार्ट निकाल लूंगा? 28% पार्ट निकाल लूंगा। सपोज दैट आपकी नेट एसेट्स उस डेट पे हैं 12 लाख की, 12 लाख का 28% निकालो, बताओ कितना आएगा? 3,36,000। आपने सेल कर दिया 4 लाख रुपए में, 3,36,000 को 4 लाख में बेचा, तो कितने रुपए का गेन हो गया? 64,000 रुपए का गेन हो गया। क्या एंट्री पास करोगे? एंट्री पास करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए में बेचा? 4 लाख में। 2 NCI, 3,36,000। बचा हुआ प्रॉफिट कहां चला जाएगा? कंसोलिडेटेड P&L में मैं कितने रुपए ट्रांसफर कर दूंगा? 64,000 रुपए में डायरेक्टली कर दूंगा ट्रांसफर। आगे बात सभी के समझ में? चले आगे, सिंपल सी बात है। यहां पे मैंने इसका एडजस्टमेंट भी दे रखा है। इनकॉर्पोरेटेड अबाउट जनरल एंट्री एंड इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में भी इसका इफेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन का क्या करना है? दिखाना है। ठीक है, बात यहां पे खत्म। अब इसके अपोजिट दूसरा ट्रांजैक्शन देखें। अपोजिट का मतलब क्या है? देखो, पहले किसी कंपनी के आपने 70% शेयर ले रखे थे तो एनसीआई कितना था? 70% शेयर मैंने क्या कर रखे थे? मैंने 70% शेयर्स मैंने मेरे अक्वायर कर रखे थे मेरी सब्सिडरी के, तो एनसीआई कितना था? 30%। अब फ्यूचर में मैंने क्या किया? 15% और ले लिया, तो मेरे पास होल्डिंग कितनी हो गई? 85। एनसीआई कितना रह गया? 15%। अगेन वही मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? कैरिंग अमाउंट। और यहां पे लेकिन कैरिंग अकाउंट कैसे निकलेगा? देखो, आइडेंटिफाई द कैरिंग अमाउंट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। जो मैं 15% ले रहा हूं उसका मुझे अमाउंट निकालना पड़ेगा। अब एनसीआई दो तरीकों से निकलता है, कितने तरीकों से? या तो नेट एसेट से या फिर नेट पेबल मेथड वाले से। यहां पर मुझे कैसा फॉलो करना है? पेबल वाला। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, क्या वैल्यू ऑफ एनसीआई जो 30% की वैल्यू थी वो डिवाइड बाय
परसेंटेज ऑफ ऑलरेडी हेल्ड दैट इज 30% मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ एडिशनल एनसीआई. सपोज दैट इस एडिशनल एनसीआई की वैल्यू थी 3 लाख, डिवाइड बाय 30% मल्टीप्लाई बाय 15%. मतलब इस 15% को अगर मैं देखूं तो कितने रुपए में ले लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, 1,50,000 में. लेकिन मैंने इसको कितने में अक्वायर किया, 1,60,000 रुपए में अक्वायर किया. तो मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, तो गुडविल कहलाएगी ये. तो इसका भी मुझे क्या करना है, जनरल एंट्री में एडजस्टमेंट करना है और उसी के बिहाफ पे मुझे पूरा का पूरा क्या करना है, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. राइट, बात आ गई समझ में, सिंपल सा कंसेप्ट है. अब इधर जनरल एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी, देखिएगा मेरी एनसीआई क्या हो गई, खत्म हो गई. तो एनसीआई अकाउंट डेबिट, अदर इक्विटी अकाउंट डेबिट. अदर इक्विटी का मतलब क्या है, मुझे लॉस हो रहा है. क्या हो रहा है मुझे, लॉस. तो लॉस में कहां से एडजस्ट करूंगा, कंसोलिडेट पीएनएल से. लेकिन कंसोलिडेशन तो ईयर के एंड पे कैलकुलेट होकर के आता है. कब कैलकुलेट होकर के आता है, ईयर के एंड पे. तो मैं डायरेक्टली कहां से एडजस्टमेंट करूंगा, रिजर्व से एडजस्ट करूंगा. तो अदर इक्विटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अगर प्रॉफिट हो गया तो क्या लिखूंगा, अदर इक्विटी अकाउंट क्रेडिट. राइट, बात क्लियर है. और इसका सीधा का सीधा इफेक्ट मैं कहां दिखा दूंगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के बिहाफ पे दिखाऊंगा कि एनसीआई की वैल्यू कम हो गई है और साथ में मेरा कैश क्या हो चुका है, जा चुका है. राइट, आगे बढ़ते हैं. यहां तक सारी बातें मेरी क्लियर हो चुकी हैं, हाँ या ना में जल्दी से रिप्लाई दे दीजिएगा. उसके बाद इस चैप्टर का मेरा लास्ट टॉपिक बचा है चेन होल्डिंग से रिलेटेड. तो पहले मुझे एक बार यहां तक बता दीजिएगा कि सारी बातें क्लियर, यस और नो. चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चेन होल्डिंग, द इजीएस्ट वन. कैसे, समझो टॉपिक क्या कहता है. यह है ए लिमिटेड, यह है बी लिमिटेड, यह है सी लिमिटेड. राइट, इधर समझना, ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड के पहले से 20% शेयर्स ले रखे हैं. कितने शेयर्स ले रखे हैं, 20% शेयर्स ले रखे हैं. बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड के 60% शेयर्स ले रखे हैं. कितने परसेंट शेयर ले रखे हैं, 60%. सपोज सी लिमिटेड के टोटल 1,00,000 शेयर है, तो 60,000 तो बी लिमिटेड के पास है. ए लिमिटेड के पास कितने हैं, 20,000. फ्यूचर के अंदर 1 साल के बाद ए लिमिटेड ने अक्वायर कर लिए बी लिमिटेड के 75% शेयर्स. कितने परसेंट शेयर ले लिए, 75. तो ए तो बन गई होल्डिंग, बी क्या बन गई, सब्सिडरी. लेकिन ना चाहते हुए सी बी बन चुकी है ए की सब्सिडरी. कैसे, इसके कितने परसेंट शेयर ले रखे थे बी लिमिटेड ने, 60. इसके 75% शेयर लिए, तो ऑब्वियसली बात है इस 60,000 के भी 75 किसके पास आ गए, ए के पास आ चुके हैं. तो 60,000 का 75% निकालो, बताओ कितना होता है, 45,000. तो 45,000 तो आया इनडायरेक्टली, और पहले से इसने कितने का इन्वेस्टमेंट कर रखा था, 20,000 का. तो टोटल शेयर कितने हो गए, 65,000 हुए या नहीं हुए, हो गए.
अब इस केस के अंदर ए लिमिटेड जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगी तो उस केस के अंदर बी लिमिटेड का पूरा ट्रीटमेंट अलग से होगा, गुडविल का कैलकुलेशन, बार्गेन परचेस का कैलकुलेशन सब कुछ होगा। साथ ही साथ जब सी लिमिटेड की बात होगी तो उसके भी कैलकुलेशन अलग से किए जाएंगे। बस एक चीज का इसके अंदर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वैल्यू ऑफ एनसीआई है उसको हमें प्रॉपर वे में एडजस्ट करना पड़ेगा कि सामने वाली कंपनी ने पहले से ही क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो आ जाएगा डबल अकाउंटिंग में। मैं बी लिमिटेड की कर रहा हूँ तो बी लिमिटेड का पार्ट कितना था उसके अंदर, सामने वाली कंपनी के अंदर 60%, तो जितना पार्ट था उसको पहले से ही मुझे क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। राइट, इसी के साथ मेरा ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म होता है। किससे रिलेटेड? कंसोलिडेशन से रिलेटेड। सबसे बड़ा टास्क आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, यू हैव टू कंप्लीट योर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द मॉड्यूल। चेन होल्डिंग देखा जाए 16 मार्क्स में आने लायक है, सो आपको करना है। और कुछ एडजस्टमेंट हैं, कौन कौन से एडजस्टमेंट? स्टॉक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, साथ में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के साथ साथ डिविडेंड वाला, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और यहीं पे ख़त्म होता है हमारा इंड एएस 110। बात आ गई सभी के समझ में? चलिए तो अब हम लोग हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। किस चीज़ का दूसरा पार्ट स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं? नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। और हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा 8 नंबर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। राइट, जस्ट वेट फॉर 2 or 3 मिनट्स, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।
चलिए हम लोग अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम्स के अंदर, तो काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर आका टॉपिक पूछा जाता है जो कि रिलेट करता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से। तो हम लोग शुरुआत करेंगे आज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। पहले मैं आपको उसका कंसेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन के बारे में बातचीत करेंगे। ओके, देखिए, सुनिए और समझिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किससे रिलेटेड, गुडविल। गुडविल क्या होती है, हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ते हैं, इसको पढ़ने के क्या क्या रीजंस हैं, पहले मैं इसके बारे में आप लोगों से सिंपल सी बात कर लेता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कभी भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को परचेस करती है, परचेस करती है, तो परचेस करने के केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सामने वाली को कितना पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले के शेयर की इंट्रेंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं। अब जब मैं इंट्रेंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन करूंगा, तो इंट्रेंसिक वैल्यू के अंदर हमें नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स का कैलकुलेशन करना होता है, राइट और रॉन्ग करना होता है ना। अब जब जब हम लोग नेट एसेट्स के कैलकुलेशन की बात करते हैं, चाहे मैं 110 के बारे में बात करूं, 103 के बारे में बात करूं, उस केस के अंदर हमेशा क्या नेट एसेट्स के अंदर गुडविल को लिया जाता है? जी हाँ, जब हम लोग इंट्रेंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं तब हमें गुडविल की वैल्यू लेनी होती है। तो जब जब आपने इंट्रेंसिक वैल्यू पढ़ी, किसके अंदर पड़ी, 110 के अंदर आपने नेट एसेट्स को पार्ट में लिया, नेट एसेट्स में गुडविल लिया, तो उस समय तो क्वेश्चंस के अंदर आपको गुडविल दी हुई मिल जाती है, क्योंकि क्वेश्चन वरना लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल पर्पस से बात करूं, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगी या आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तभी तो आप उस कंपनी के शेयर की वैल्यू अलग से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अगर एक कंपनी दूसरे का बिजनेस परचेस कर रही है, या फिर वो अपने बिजनेस को क्या कर रही है, अलग कर रही है, तो उस केस में भी तो गुडविल चाहिए। ये तो मैं केवल कंपनी के बिहाफ पे बता रहा हूं। पार्टनरशिप में चलते हैं, कोई पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, तो जितना आ रहा है तो ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और जब नया पार्टनर आ रहा है तो ओल्ड को सैक्रिफाइस। कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो रिटायरमेंट के टाइम पे भी तो उस पार्टनर को क्या देनी होती है, गुडविल। कौन से रेशो में देते हैं, गेनिंग रेशो के अंदर। आखिर वो गुडविल कैसे कैलकुलेट हुई? भैया सही सोच रहे हो, इंटर में भी पढ़ा है, और इंटर से ज्यादा आपने अपनी ट्वेल्थ के अंदर पूरी एक बुक पढ़ी है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसके अंदर आप तीन मेथड यूज करते थे। कौन कौन से? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड, राइट। जब जब मैं एवरेज प्रॉफिट की बात करता हूं, तो क्या करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट के दे रखे होंगे, उतने सालों का प्रॉफिट लेकर के डिवाइड बाय क्या कर देते हैं, 5। 5 सालों का हो गया 5। जब हम लोग जब प्रॉफिट लेते हैं, वो प्रॉफिट किसका होना चाहिए, बिजनेस का प्रॉफिट, या बिजनेस के साथ साथ अदर एक्टिविटीज है उनका भी प्रॉफिट। भैया नॉर्मल सी बात है, गुडविल बिजनेस की, तो प्रॉफिट भी किसका कैलकुलेट होना चाहिए, बिजनेस का। तो जब आप लोग प्रॉफिट को अपना पार्ट लेते हैं, तो उस प्रॉफिट को लेते टाइम पर हमेशा एक बात का ख्याल रखना, मेरी बात ढंग से सुनना, जब भी गुडविल का कैलकुलेशन करो, जितना भी प्रॉफिट दे रखा हो, उस प्रॉफिट के अंदर से एक एडजस्टमेंट ध्यान रखना, जितनी भी नॉन अदर बिजनेस एक्टिविटी के प्रॉफिट हैं उनको तो कर दो डिडक्ट, और जितनी नॉन बिजनेस एक्टिविटी से लॉस हुए हैं उसे क्या कर दो, एड बैक। भैया अदर एक्टिविटी से लॉस हुआ, हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं,
इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है? सेल्स, COGS, जीपी, जीपी में से क्या माइनस करते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्लस करते हैं अदर ऑपरेटिंग इनकम, तो क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्लस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो मेरे पास क्या आता है? नेट प्रॉफिट। यही आता है नेट प्रॉफिट। बट गुडविल के कैलकुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किसका होना जरूरी है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। तो क्या करोगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम को जो आपने ऐड किया उसे क्या कर दोगे? लेस। और जो आइटम लेस हो रखे थे उसे क्या कर दोगे? ऐड। क्योंकि आपको कौन सा वाला प्रॉफिट चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। आ गई क्या मेरी बात समझ में? तो इस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं? एडजस्टेड। क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। इनका एडजस्टमेंट होके इसको आपको वापस से क्या करना है? लेस। और इसको क्या करना है? एड। तो आपके पास क्या आएगा? एडजस्टेड प्रॉफिट। अब एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल, पांचों सालों के हुए, पांचों सालों के एडजस्टेड प्रॉफिट को ऐड करके मैं किसका डिवाइड दे दूंगा? पांच का। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। अच्छा, सामने वाले का बिजनेस परचेस कर रहे हो तो पास्ट एक्टिविटीज के बिहाफ पे करोगे या फ्यूचर की एक्टिविटीज के बिहाफ पे करोगे? पास्ट की एक्टिविटीज, लेकिन गुडविल का पास्ट और फ्यूचर दोनों से लेकर के चलोगे? सामने वाले की गुडविल तुम परचेस कर रहे हो तो उसका बेनिफिट कितने सालों तक मिलेगा इसको भी तो देखोगे? तो केवल इस एडजस्टेड प्रॉफिट तक रुक जाओगे या फिर उसके फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट से आपको मतलब होगा? इस एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट के बाद आपको किस स्टेप पे आना है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट तक आना है। कैसे आएंगे? हो सकता है इस एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट में ऐसी इनकम इंक्लूडेड हो जो पास्ट में तो हो गई लेकिन अब फ्यूचर में नहीं होगी। जो पास्ट में तो हो गई फ्यूचर में नहीं होगी तो उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? कम होगा। तो लेस इनकम विच नॉट अराइज इन फ्यूचर। देखो मेरी बात फिर से समझना, ये पांच मिनट ढंग से सुन लेना, गुडविल का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हमने सामने वाले के बिजनेस को अक्वायर किया, क्यों किया? ताकि मुझे फ्यूचर के अंदर क्या मिले? बेनिफिट मिले। तुम नए नए सीएमए बनोगे। क्या बनोगे? नए नए सीएमए। तुमने एक कॉर्पोरेट ऑफिस डाला, तुम्हारे ऑफिस के जस्ट पास में एक सीएमए का और ऑफिस है जो पिछले 40 सालों से काम कर रहा है। ये 22 साल की एज में बना प्लस 40, इसकी एज है 62, तुम्हारी एज है 30 ईयर्स की। बैठे ठाले क्या करें, क्योंकि काम तो तुम्हें आता नहीं है। आता भी है लेकिन इसने कितने साल दे दिए बिजनेस को? 40 साल। इसके पास 10 करोड़ रुपए के क्लाइंट हैं। कितने रुपए के क्लाइंट हैं? 10 करोड़ रुपए के क्लाइंट हैं। राइट। अब आपने बोला देखो भाई अब करें तो क्या करें, मेरे पास तो कुछ नहीं आ रहा, एक काम करते हैं इसका पूरा का पूरा बिजनेस अक्वायर कर लेते हैं। इसका बिजनेस कैसे अक्वायर करोगे? जो 10 करोड़ रुपए के क्लाइंट हैं उनकी फाइल ही तो सबसे बड़ी बात है ना। आपने बोला एक काम करो ये फाइल सारी की सारी हमें सेल कर दो। बोला कर दूंगा, कितने रुपए में लेगा फाइल को? हमने हमारा दिमाग लगाया, हमने सोचा इसके पास सपोज दैट अगर 10,000 क्लाइंट हैं, कितने क्लाइंट हैं? 10,000 क्लाइंट हैं। आज इसकी 62 ईयर की एज हो चुकी है, फ्यूचर के अंदर ये कितने साल और टिकने वाला है? 3 साल। मतलब अगर मैं आज इसका बिजनेस परचेज करता हूं तो सामने वाले को कितने का नुकसान होने वाला है?
तीन साल का नुकसान होने वाला है। तो अगर मैं आज इसको एक साथ पैसा दूंगा तो इन तीन साल का पैसा एक साथ देना पड़ेगा, राइट। तो 10 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो सीधा पेमेंट कितने का करना पड़ेगा, 30 करोड़ का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहां दिमाग लगाऊंगा कि इस 10,000 में फ्यूचर में ऐसे कौन से लोग हैं जो मुझसे काम ही नहीं करवाएंगे, उनकी तो वैल्यू हटाऊंगा ना। सपोज दैट 2,000 ऐसे क्लाइंट हैं जो कि फ्यूचर में सामने वाले से काम ही नहीं करवाएंगे, तो कितने क्लाइंट रह गए, 8,000। तो मैं इस 8,000 के अकॉर्डिंग पेमेंट करूं या 10,000 के अकॉर्डिंग पेमेंट करूं, मुझे मेरा बेनिफिट कितने सालों का मिलेगा, 3 सालों का, और कितने क्लाइंट का मिलेगा, 8,000 क्लाइंट का मिलेगा ना। तो पैसा भी मैं कितने क्लाइंट का दूंगा, 8,000 एक्सपेक्टेड। यहां पे मैंने क्या बोला, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, कि फ्यूचर के अंदर मुझे कितने रुपए का बेनिफिट होने वाला है, मैं उसको देख करके गुडविल का क्या करूंगा, कैलकुलेशन। मैं किसी की बिजनेस को परचेस करता हूं उसका तो पास्ट, लेकिन उसके ऊपर मेरा क्या डिपेंड करता है, फ्यूचर डिपेंड करता है ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो जब ये 10 करोड़ उसकी टोटल जो इनकम है, इसमें से 2,000 क्लाइंट के 2 करोड़ में हटा दूंगा, तो मैं किसके बियाह पे पेमेंट करूंगा, 8 करोड़ के बियाह पे पेमेंट करूंगा। और हर साल के कितने रुपए, 1 करोड़। मैं क्या सोच रहा हूं, सामने वाले की लाइफ कितनी है, 3 साल। कितने का पेमेंट ऑफर करूंगा, 24 करोड़ रुपए का पेमेंट ऑफर करूंगा। काम तुम्हें करना है, फिर भी सामने वाले को 24 करोड़ दे दिए, सामने वाला खुश हो जाएगा, क्योंकि उसको 3 साल काम करता 30 करोड़ पे भी पूरे मिल जाते, क्योंकि एक्सपेक्टेड है 2,000 छोड़ के जाएंगे, गए तो नहीं है, 30 करोड़ मिलेंगे। मेहनत भी करनी पड़ती, खर्चा भी करना पड़ता। अब उसको उसके 30 करोड़ के बदले एक साथ कितने रुपए मिल गए हैं, 24 करोड़ मिल गए हैं। काम वो सामने वाला रेडी हो गया। अब तुम बोलोगे, जब मैंने उसको 24 करोड़ रुपए का पेमेंट कर दिया तो मुझे तो नुकसान हुआ ना। हाँ हुआ, लेकिन उन 10,000 क्लाइंट में से 8,000 तुम्हारे पास आए। तुम तो यंग होगे तो और पर्सन ऐड होंगे, 8,000 को देख करके दूसरे कितने और आने वाले हैं, 16,000 और आने वाले हैं। तो उस काम को अक्वायर करने का तुम्हें फ्यूचर के अंदर क्या मिलने वाला है, बेनिफिट। हमेशा ध्यान रखना, बिजनेस अक्वायर किया जाता है सामने वाले की पास परफॉर्मेंस के बियाह पे, लेकिन जो अक्वायर करता है उसको अपना क्या दिखता है, फ्यूचर का बेनिफिट दिखता है। तो पास्ट के बियाह पे हम लोग सामने वाले का क्या निकालते हैं, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, और हमारे लिए हमें क्या निकालना होगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अगर तुम्हें निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर के अंदर जो इनकम अब नहीं होगी उसको तो डिडक्ट कर दो, और हो सकता है फ्यूचर के अंदर सामने वाले के कुछ एक्सपेंसेस भी ना हो, तो सामने वाले का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसके भी आप पे क्या निकलता है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकलता है, राइट। जैसे ही फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आया, इसको मल्टीप्लाई कर दो आपकी नंबर ऑफ इयर्स से, कि 3 साल का बेनिफिट है, 4 साल का है, 5 साल का है। तो आपके पास सबसे पहला मेथड गुडविल का जो है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बिहाफ पे आपके पास क्या आ जाती है, गुडविल आ जाती है। 2 छोटे-छोटे स्टेप, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट में ईयर वाइज हमें क्या करना होता है, एडजस्टमेंट। जो मेरी नॉन बिजनेस एक्टिविटीज से प्रॉफिट हुआ है उसको लेस कर दो, और नॉन एक्टिविटी से जो एक्सपेंस हुए हैं उसे वापस से क्या कर दो, एड बैक। तो मेरे पास क्या आएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट। नंबर ऑफ इयर्स का डिवाइड दिया तो क्या आ जाएगा, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। उसके अंदर फ्यूचर के एडजस्टमेंट करके मेरे पास क्या आएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स। सामने देखिएगा, सबसे पहले मैं बता दूं गुडविल कितने तरीके की होती है। गुडविल होती है 2 तरीके की, एक तो होती है परचेस गुडविल, दूसरी कौन सी गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड। अकाउंट्स के अंदर कभी भी सेल्फ जनरेट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, अकाउंट्स के अंदर हमेशा कौन सी गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं, परचेस गुडविल को। क्यों, खुद की गुडविल का आंकना क्या, मार्केट से जो वैल्यू होगी उससे बात करेंगे, और वो हमेशा कौन करवाता है, आउटसाइडर। आपका बिजनेस 10 लाख का था, सुनना मेरी बात ढंग से, आपका बिजनेस 10 लाख का था, आपने 20 लाख में सेल कर दिया, कितने रुपए का गेन हुआ,
10 लाख का गेन कहाँ ट्रांसफर करोगे? कैपिटल रिजर्व के अंदर। कहाँ ट्रांसफर करोगे? सामने वाले के पास बिजनेस कितने रुपए का गया? 10 लाख का। सामने वाले ने पेमेंट कितने रुपए का कर दिया? 20 लाख का। तो सामने वाले ने कितने रुपए एक्स्ट्रा पे किए? 10 लाख। किस चीज के दिए थे? आपकी गुडविल के लिए। तो गुडविल तो जिसने परचेस किया वो करेगा ना, या जिसने सेल किया वो रिकॉर्ड करेगा। जिसने परचेस किया वही रिकॉर्ड करता है। 103 में भी बता दिया, 110 में भी बता दिया, जो अक्वायरर है वही गुडविल अकाउंट क्या करता है? ओपन। अब पढ़ा होगा 12th में, पढ़ा होगा इंटर के अंदर कि गुडविल हमेशा कौन सी रिकॉर्ड होती है बुक्स के अंदर? परचेस। क्यों होती है? रीजन भी समझ में आ गया होगा, राइट? अब एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर है, थ्योरेटिकल, काफी बार पूछा जाता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ गुडविल? गुडविल तीन तरीके की होती है, नेचर तीन तरीके का, चूहा, बिल्ली और एक डॉग। चूहा, बिल्ली और डॉग, जी हाँ। डॉग क्या होता है? वफादार। जहां मैं पीछे पीछे मेरा डॉग, ऐसी गुडविल जो पर्सनल से रिलेटेड होती है, जहां मैं जाऊंगा मेरी खुशबू मेरे पीछे पीछे चलती रहेगी, उस गुडविल को बोलते हैं डॉग नेचर की गुडविल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल गुडविल। कौन सी गुडविल बोलते हैं? पर्सनल, राइट? कैट गुडविल, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की। मैं अगर यहां काम करता हूं तभी मेरी गुडविल है, इफ आई एम लिविंग फ्रॉम हियर मेरी कोई भी गुडविल नहीं होगी। बिल्ली का नेचर होता है 7 घर घूमती है। कितने घर घूमती है? 7 घर घूमती है। जिस घर में उस घर की होकर के रह जाती है, जिस दिन वो घर छोड़ा, खत्म, उस घर में वापस कभी भी नहीं आती। ऐसा ही होता है कि हाँ जी हाँ, रियलिटी ऐसी ही है। जिस घर को छोड़ दिया, परमानेंट रहना, उस पे वापस से नहीं आती है। तो उस गुडविल को हम लोग कौन सी गुडविल बोलते हैं? कैट गुडविल। कौन से नेचर की? इंस्टीट्यूशनल, ऑर्गेनाइजेशनल। लाइक आई एम डायरेक्टली कैन से हियर, इफ आई एम द पार्ट ऑफ जीएससी देन आई हैव गुडविल, इफ आई एम लीविंग जीएससी आई हैव नो गुडविल। देन इस तरीके की गुडविल को मैं क्या बोलूंगा? कैट नेचर की गुडविल, इंस्टीट्यूशनल गुडविल। पर्टिकुलर एक पर्सन है वो है तो जीएससी है, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पर्सनल गुडविल। और एक तीसरी होती है कैजुअल इवेंट। ठीक है, कभी एडिशन हो जाए कभी ना हो, ऑर्गेनाइजेशन को उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? कैजुअल इवेंट। क्योंकि चूहा हर बार तो आता नहीं है, कैजुअलिटी के बिहाफ पे ही आता है, तो उस गुडविल को क्या बोलते हैं? कैजुअल। गुडविल का कैलकुलेशन क्यों क्यों जरूरी है? अभी अभी मैंने आपको समझा दिया, पार्टनरशिप के केस में मैंने आपको बताया, कंपनी के केस के अंदर बताया कि आप अपने शेयर को लिस्ट करवाने के लिए जा रहे हो, आपका मर्जर है, आप अपने शेयर की इंट्रेंसिक वैल्यू निकालने जा रहे हो, पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है या फिर प्राइवेट पब्लिक के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल का कैलकुलेशन कितने तरीकों से होता है? एक मेथड है ईयर परचेस मेथड। अभी अभी बोला अकाउंटिंग में केवल कौन सी गुडविल रिकॉर्ड होती है? परचेस। इसलिए इसको एक मेथड बना दिया गया, नाम क्या रखा गया? ईयर परचेस मेथड। दूसरा क्या था? कैपिटलाइजेशन। तीसरा क्या है? एन्यूटी। तीन मेथड। सर हमने तो सुने थे एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट से होती है, और आप ये तीन मेथड बता रहे हो। एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के बिहाफ पे ही ईयर परचेस, कैपिटलाइजेशन और एन्यूटी को क्या किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है। आपको क्वेश्चंस के अंदर बोलेगा ईयर परचेस, 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट। और यहां पे एवरेज प्रॉफिट से मतलब क्या है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट से, राइट? सुपर प्रॉफिट अभी बात करेंगे, तो 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट बोलेगा तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट, देन मल्टीप्लाई बाय 3। कैपिटलाइजेशन भी बोल सकता है और साथ में क्या बोल सकता है? एन्यूटी। लेकिन अल्टीमेट मुझे एपी भी निकालना पड़ेगा, एसपी भी निकालना पड़ेगा, राइट? आगे बढ़ते हैं। क्या बोला अभी अभी मैंने यहां पे? एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। हेयर एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट मीन्स फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकलता है? देखो, एक तो होता है सेल्स के बिहाफ पे नहीं पढ़ना,
नोट्स के अंदर मैंने मेंशन कर रखा है, टाइप्स पूछ सकता है, बट सेल्स के बिहाफ पे कभी भी आपसे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट नहीं पूछा जाता। इसको डायरेक्ट बिहाफ पे पूछा जाता है, उसके बारे में मैं बातचीत कर लेता हूं अभी आपसे। देखो, आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, आप लोगों को क्या दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, तो हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो टैक्स को वापस से क्या कर लूंगा, एडजस्ट ऐड कर लूंगा। एबनॉर्मल एक्सपेंसेस को ऐड किया, एबनॉर्मल इनकम को क्या किया, लेस किया, साथ में रीवैल्यूएशन का इफेक्ट दिया, तब जाके आपके पास क्या आता है, एडजस्टेड प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एडजस्टेड प्रॉफिट। और ये एडजस्टेड प्रॉफिट कौन सा वाला होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही हम लोग कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट। फिर आपको कौन सा फॉलो करना है, आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। अब इधर एक चीज समझना, वन ईयर, टू ईयर, थ्री ईयर, फर्स्ट ईयर का एडजस्टेड प्रॉफिट आया 10,000, सेकेंड ईयर का आया 12,000, थर्ड ईयर का आया 9,000, टोटल कितना हुआ, 31,000 डिवाइड बाय 3, तो ये आया 10,333। ये क्या आ गया आपके पास, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, राइट। अच्छा एक चीज और सुनना, इधर समझना, अब अगर ये 10,000, ये 12,000 और ये 19,000 होता तो क्या करते, सर टोटल होता 41,000, 41 के अंदर हम लोग किसका डिवाइड दे देते, 3 का, कितना आता, ठीक है, गलत। जब भी प्रॉफिट के अंदर किसी भी तरीके का ऑर्डर फॉलो हो रहा हो, या इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, पहले 9,000 था, 10 से 12 हुआ, 12 से 9 हुआ, कोई ऑर्डर है क्या, पहले इंक्रीज हुआ बाद में क्या हो गया, डिक्रीज, कोई ऑर्डर नहीं था, लेकिन यहां पे तीनों में क्या फॉलो हो रहा है, ऑर्डर फॉलो हो रहा है, इंक्रीज। तो उस केस के अंदर हमें निकालना होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट निकालना होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, मैंने मेंशन कर रखा है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन देखो कैसे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 10,000, सेकंड ईयर का प्रॉफिट 12,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना आया, 19,000। तो इसका निकालूंगा प्रोडक्ट, एक को 10,000 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, 10,000, दो को 12,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 24,000, तीन को 19 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 57, टोटल कर दो बताओ कितना आएगा, 91,000। टोटल वेट कितना हो गया, 6 का, तो 91 के अंदर 6 का डिवाइड दे दो बताओ कितना आ रहा है, 15,000। ये कब फॉलो करना है, जब प्रॉफिट के अंदर ट्रेंड हो अपवर्ड और डाउनवर्ड, लेकिन अगर कोई भी ट्रेंड ना हो तो उस केस के अंदर हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट का ही करना है पूरा का पूरा कैलकुलेशन, राइट। अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ चुका है, इस एवरेज प्रॉफिट को क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, इसमें से फ्यूचर इनकम जो नहीं होने वाली है उसको लेस कर दो, होने वाली है उसको ऐड कर दो, फ्यूचर के अंदर होने वाले एक्सपेंसेस को लेस कर दो, तो तुम्हारे पास आएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, माइनस कर दो टैक्स, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास आ जाएगा। ये पूरा का पूरा डिस्कशन हमने यहां पर अभी अभी किया ही था, देख सकते हो सामने कि नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर रखे हैं, वापस से क्या कर दो, ऐड बैक करो, अपोजिट कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मेरे पास आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। इसके बाद निकालना है एवरेज, एवरेज के अंदर दो चीजें, ऑर्डर है तो नॉर्मल एवरेज फॉलो, नहीं वेटेड एवरेज फॉलो करना है, और कोई ऑर्डर नहीं है तो कौन सा मेथड फॉलो करना है, एडजस्ट नॉर्मल वाला मेथड फॉलो करना है,
एवरेज वाला, राइट। उसके बाद जितना भी प्रॉफिट आएगा एडजस्टेड, उसके अंदर से हमें फ्यूचर इनकम को कर देना है ऐड और फ्यूचर एक्सपेंसेस को कर देना है लेस, तो मेरे पास आ जाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन के अंदर टैक्स दे रखा है तो टैक्स का एडजस्टमेंट भी आपको करना पड़ेगा, राइट। यहां तक मेरी सभी बातें आप लोगों को क्लियर? यहां तक मेरी बात सभी को क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेक अ वेरी फास्ट रिप्लाई, ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आगे, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है आपको सामने, मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन अभी करवा दूंगा, हम लोग उसी से डायरेक्टली क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, राइट। तो यहां पे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मैंने एक सिंपल सा फॉर्मेट दिया है आपको कैलकुलेट करने का। क्या अगर आपको डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट दे रखा है 2 सालों का, तो करंट ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया दोनों का बैलेंस? भैया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाला आता है ना आप लोगों को, वही चीज फॉलो होगी। डिफरेंस इन पीएनएल बैलेंस इंक्रीमेंट हुआ, ऐड कर दो अगर रिजर्व के अंदर कुछ भी ट्रांसफर हुआ है, ऐड कर दो अगर कोई भी डिविडेंड पे किया है, तो तुम्हारे पास क्या आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स को ऐड कर दिया तो क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एबनॉर्मल इनकम को ऐड कर रखा था तो लेस कर दो, और लेस किए हुए एबनॉर्मल एक्सपेंसेस को क्या कर दो, ऐड कर दो। नॉन ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट की जो इनकम थी भैया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी याद कर लो, उससे जितना भी कैलकुलेशन किया था, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को थे उसको एडबैक किया था, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या किया था, लेस किया था। वही पूरा एडजस्टमेंट करना है, और वही रीवैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का भी पूरा का पूरा सेम टू सेम वही का वही आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। तो आपके पास आ जाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस कर दो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, टैक्स को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, आफ्टर टैक्स। ठीक है, बात आ गई सभी के समझ में? अब बात आती है किससे रिलेटेड, ये तो हो गया एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड। सबसे बड़ी बात आती है हाउ वी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट सिंपल सी बात है, जितना आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आया है उसमें से माइनस कर दो आपका नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट माइनस कर दो, नॉर्मल प्रॉफिट। बात आती है कि ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, समझो। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना आता ही है, नेटवर्थ मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन के अंदर आपको मिलती है रेट ऑफ रिटर्न, हमेशा गिवन होगी रेट ऑफ रिटर्न। देखिए सामने, नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। वैसे तो क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी नहीं दे रखा है तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड ले रख देनी है, लेकिन अगर आपको 2 सालों का कैपिटल एम्प्लॉयड अगर दे रखा है, या फिर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों वैल्यू दे रखी है, तो आपको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग भी निकालना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज। आपको मैंने अभी अभी एक बात बोली, नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन हमेशा कैसे होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट। सामने देखिएगा और समझिएगा, यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड से मतलब नहीं है, यहां मतलब किससे है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से। मैं केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, सुनना। किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकाला जाता है, टोटल करके जितने नंबर का टोटल किया उतने का डिवाइड दे दो। कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग होगी या फिर क्लोजिंग होगी, दोनों को ऐड किया किसका डिवाइड दे दिया, 2 का डिवाइड दे दिया, बात खत्म। लेकिन
अगर आप लोग कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको क्वेश्चन के अंदर केवल क्या मिलने वाली है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ओपनिंग नहीं दे रखी होगी। तो सर एवरेज कैसे निकालें, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट में तो हमें हमेशा क्या काम में आएगी, एवरेज। तो जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होगी उसमें से हाफ करंट ईयर के प्रॉफिट को कर देना है लेस। कौन से प्रॉफिट को लेस कर देना है, हाफ करंट ईयर के प्रॉफिट को लेस कर देना है। लिखा है मैंने यहां पे सामने, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ करंट ईयर प्रॉफिट। अच्छा नीचे यह भी लिखा है ओपनिंग के अंदर हाफ करंट ईयर के प्रॉफिट को ऐड कर दो, कर सकते हैं, कैलकुलेशन होता है, लेकिन यह क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बेटा, उठा लो स्कैनर के क्वेश्चन, मॉड्यूल के क्वेश्चन, आपको हमेशा क्या मिलेगा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। और आपको एडजस्टमेंट किसका करना पड़ेगा, करंट ईयर के एम्प्लॉयड का करना पड़ेगा, कैलकुलेशन। राइट, बढ़ू मैं आगे? अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होता है, अभी अभी करके आए हो, कितने चैप्टर में करके आए हो, दो चैप्टर में। नेटवर्थ निकालना आती है ना, नेट एसेट्स, तो वही तो बात है। देखो इधर, फिक्स एसेट्स, ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट, बस इस चीज का ध्यान रखना, वहां पे हम लोग ओवरऑल इन्वेस्टमेंट लेते हैं, यहां पे केवल कौन से वाले इन्वेस्टमेंट लेने हैं, ट्रेडेड वाले। कौन से इन्वेस्टमेंट, जो कि बिजनेस के अंदर रेगुलर डील होते हैं, प्लस करंट एसेट्स, हाँ एक तरीके से करंट इन्वेस्टमेंट भी है। राइट, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को हमें लेस कर देना है, नॉन करंट हो या फिर करंट हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोगों के पास आ जाएगा। राइट, अच्छे से समझ गए? अच्छा, आप सामने देखो फिर से, और अगर लाइबिलिटीज अप्रोच की बात करें तो क्या करना है, जितनी भी आपकी शेयर कैपिटल है उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड कर दो, और साथ में उसमें से क्या कर दो, जो जो फिक्टिशियस एसेट्स के एडजस्टमेंट हैं, रीवैल्यूएशन लॉस या गेन है, उसे हम लोग क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएंगे, हम लोगों के पास आ जाएगी नेट एसेट्स। बेटा जो कैलकुलेशन करके आ चुके हो वही कैलकुलेशन पूरे के पूरे सेम टू सेम करने हैं। ठीक है, आगे देखिए, देखो इधर आपको बोलेगा या तो गुडविल निकालो एपी के अकॉर्डिंग, या गुडविल किसके अकॉर्डिंग निकालो, एसपी के अकॉर्डिंग। एपी के लिए पहले क्या चाहिए, एडजस्टेड प्रॉफिट। अब ये एडजस्टेड प्रॉफिट कौन सा वाला होता है, मैं क्लियरली बोल देता हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। कौन सा प्रॉफिट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर ऑर्डर होगा या फिर कोई ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्डर हुआ तो वेटेड एवरेज, नहीं हुआ तो नॉर्मल एवरेज, डिवाइड बाय ईयर करूंगा तो क्या आएगा, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या आएगा, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। इस एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट के अंदर से फ्यूचर के अंदर होने वाली इनकम को ऐड कर दो, फ्यूचर के एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, और माइनस कर दोगे तो टैक्स, तो क्या आ जाएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। राइट, सुपर प्रॉफिट अगर बोलता है कैलकुलेट करने के लिए तो कैसे निकलेगा, यही फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट। ये जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है कैसे निकलती है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके। लेकिन इससे तो करना ही नहीं पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर में से कितना प्रॉफिट माइनस करना है, हाफ करंट ईयर का, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, डायरेक्टली क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई कर दिया रेट से, इन दो को कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्वेश्चन के अंदर बोलेगा ईयर परचेस मेथड से करो, किससे करो, ईयर परचेस। अब ईयर परचेस एसपी भी बोल सकता है, साथ में क्या बोल सकता है, एपी।
आंसर तो डिफर होगा, दोनों में ही डिफर आएगा आंसर, एक जैसा नहीं आएगा। ईयर परचेस मेथड में अगर आपको बोला एवरेज प्रॉफिट से निकालो, यहीं तक क्वेश्चन खत्म। यहां कैलकुलेट करके नंबर ऑफ ईयर से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। अगर सुपर प्रॉफिट बोल दिया, सब कैलकुलेट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, फिर सुपर प्रॉफिट आएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, रेट से। ईयर परचेस मेथड, रेट से नहीं, नंबर ऑफ ईयर से, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर ऑफ ईयर से। अच्छा जी, अगर आपको बोले कैपिटलाइजेशन, एक चीज क्लियर कर देता हूं, कैपिटलाइजेशन हमेशा सुपर प्रॉफिट का ही होगा, होने को एपी का भी होता है, एसपी का भी होता है, लेकिन दोनों से आंसर हमेशा सेम आता है, दोनों से आंसर हमेशा क्या आता है, सेम। वो निकालना ही पड़ेगा, कुछ भी करो आप, बताऊंगा मैं कैसे, अभी बताता हूं। देखो, अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बोलता है तो क्या करना है, सुपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, इसके अंदर आपको डिवाइड दे देना है रेट का, जो रेट नॉर्मल रेट नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के काम में आई थी ना, उसका डिवाइड किसके अंदर दे देना है, सुपर प्रॉफिट में। तो यही क्या कहलाएगी, गुडविल। अब अगर आपको ये बोले एपी के कैपिटलाइजेशन से क्या निकालो, एपी के कैपिटलाइजेशन से क्या निकालो, गुडविल, तो सामने देखो क्या होगा, जो आपने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाला उसके अंदर किसका डिवाइड देंगे, रेट का। तो आप समझ रहे होगे कि ये गुडविल आ गई, जी नहीं, यहां से माइनस करना पड़ेगा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस, किसको माइनस करना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को करना पड़ेगा माइनस, जी नहीं, इसके आगे आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट माइनस सीसीई। अब हमने सीसीई निकाली ही क्यों थी, एसपी के कैलकुलेशन के लिए निकाली थी, पूरे स्टेप सारे वही फॉलो होंगे, इन दोनों केसेस में आपका आंसर क्या आने वाला है, सेम। तो इस झंझट में ना फंसते हुए मैं किसको पकड़ूंगा, सीधा सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट को, चेक कर सकते हैं नोट्स के अंदर भी हम लोग, जस्ट वेट, एक फाइल और है हमारे पास नोट्स की। करना ही करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। आ गई क्या मेरी बात सभी को समझ में, ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेक अ फास्ट रिप्लाई, ताकि फिर मैं आगे चल करके आपको और चीजें क्लियर कर सकूं। जल्दी से रिप्लाई दे दीजिएगा। क्लियर, चलें क्वेश्चंस पे। सर सीएफआर का एक क्वेश्चन, चलो मॉड्यूल का, स्कैनर का, स्कैनर का, चलो ठीक है, स्कैनर ओपन करते हैं आपके सामने। बेटा मैं आपको दो फाइल दे रहा हूं, जो ये दो फाइल हैं, एक के अंदर पूरा कंसेप्ट है और एक के अंदर जो भी आके मॉड्यूल है उसके डिटेल के अंदर क्या है, सारे सॉल्यूशंस हैं। मैं आपको अभी क्वेश्चन करवा रहा हूं स्कैनर का, ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको ढंग से समझना है, गिव मी अ सेकेंड। मेन मॉड्यूल जो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, ये आके मेन मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, न्यू वाले के, राइट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट।
श्योरली बेटा, जो ऐप है ऐप पे इसको श्योरली अपलोड कर दूंगा। आपके जो जीएससी के जितने भी नोट्स हैं उनके ऊपर ये पूरे अपलोडेड मिल जाएंगे आप लोगों को, नोट्स जितने भी हैं। और आपको बता चुके हैं जितने भी आपकी क्लासेस हो रही हैं उनके सारे नोट्स ज्ञान सागर नोट्स के ऊपर भी आपके पास अवेलेबल हैं। चलिए आगे बढ़े। चलो मैं गुडविल आप लोगों को सीधा स्कैनर के क्वेश्चंस में से करवा रहा हूं। देखो जो सॉल्यूशंस हैं मैंने आपको वैसे ही बता दिया, सॉल्यूशंस मैं आपको डायरेक्टली दे भी रहा हूं, आप डायरेक्टली उसमें से कर सकते हैं। मैं आपको गुडविल और शेयर्स जो करवा रहा हूं कहां से करवा रहा हूं, हमारे स्कैनर के क्वेश्चंस से। ओके, स्कैनर के अंदर मैं बता दूं एक क्वेश्चन को 4 बार पूछा गया है गुडलक कंपनी को, बहुत बड़ा प्यार है सीएफआर से। एग्जाम्पल एग्जाम जब देने बैठोगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा गुडलक कंपनी। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, मैं एक बार चेक कर लूं कौन से सेक्शन पे है ये। वैल्यूएशन 17.536। देखो हर बार एक क्वेश्चन है कितने नंबर का, 8 नंबर का हर बार। अच्छा, इसके अंदर फ्यूचर फॉरवर्ड से रिलेटेड भी टॉपिक दिए हुए हैं, ओल्ड सिलेबस के अंदर थे 2012 वाले में, उसके बाद कभी नहीं पूछे गए। ये नहीं देख करके बोलो कि सर ये क्या हो गया, फ्यूचर फॉरवर्ड इसके अंदर। चलिए सामने देखो, 2017 जून के अंदर एक क्वेश्चन आया है, किससे रिलेटेड है बात करते हैं। समझना बहुत अच्छे से है क्या कह रहा है। देखो Following balances on 31st March 2017 are obtained from the Gunnu Limited. हाँ जी, गुड लक नहीं है यहाँ पे, Gunnu Limited है। ये क्वेश्चन जितनी बार भी आया है, इवन इस बार भी अगर एग्जाम में आया है तो इसका अमाउंट या तो आधा कर दिया गया होगा या डबल कर दिया गया होगा, ये अश्योर्ड रहूं। 2 लाख इक्विटी शेयर, एक शेयर 10 रुपए वाला है। 10 लाख 10% प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए वाले, 100 रुपए वाले। जनरल रिजर्व की वैल्यू दे रखी है, P&L अकाउंट की वैल्यू दे रखी है, डिबेंचर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर दे रखे हैं, सर गुडविल भी दे रखी है। हाँ, सेल्फ जनरेटेड है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है, मशीनरी की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक 10% स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, कैश, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या दे रखी है आपको इन्फॉर्मेशन, नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 500 लाख, और जबकि मार्केट वैल्यू कितने रुपए की है, 520 लाख की। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और डेटर्स की आपको क्या दे रखी है, मार्केट वैल्यू बोल लो या फिर फेयर वैल्यू बोल लो। क्वेश्चन में बोला एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2400 लाख एंड 12.50% प्रॉफिट आर ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व, उसके ऊपर टैक्स कितना परसेंट लगाया जाता है, 30%। नॉर्मल डिविडेंड कितना एक्सपेक्टेड है, 18%, वाइल फेयर रिटर्न की वैल्यू कितनी है, 12%। अभी अभी बात कर रहा था, क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ रिटर्न दे रखी होगी, कितनी परसेंट दे रखी है, 12% रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है, राइट।
गुडविल में बी वैल्यूड 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट. किसके अकॉर्डिंग? सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या चाहिए? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूंगा मैं. कैसे निकलता है? आपको आता है सारी की सारी एसेट्स की वैल्यू, लेकिन कौन सी? फेयर वैल्यू लूंगा. लैंड एंड बिल्डिंग की दूसरी वैल्यू दी हुई है, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, स्टॉक की वैल्यू दी हुई है और डेटर्स की वैल्यू दी हुई है. आपके सामने है, चेक करना. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक दे रखा है. डेटर्स की न्यू वैल्यू दे रखी थी, कैश की वैल्यू दे रखी थी. अब मैंने इसके अंदर से ये इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है. हमने क्या बोला था? कौन से इन्वेस्टमेंट लेने? करंट इन्वेस्टमेंट. यहां तो खुद ने बोल दिया इन्वेस्टमेंट को क्या किया गया है? स्टॉक के अंदर रख रखा है. 10% स्टॉक, मतलब स्टॉक रहेगा ही है. ये हम लोग बार बार ट्रेड नहीं करेंगे इसका. क्या नहीं करेंगे? ट्रेड नहीं करेंगे. टोटल एसेट्स आ गई, डिबेंचर्स को क्रेडिटर्स को माइनस कर दिया तो क्या आ गया? टोटल लाइबिलिटीज. माइनस करने के बाद क्या आ गया? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. सिंपल सा काम. अब मुझे क्या चाहिए? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया. अब मुझे चाहिए, क्वेश्चन के अंदर खुद ने ही कौन सा प्रॉफिट दे रखा है? एवरेज प्रॉफिट खुद ने ही दे रखा है. मुझे निकालना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं निकालना पड़ेगा. बट ये जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है उसके अंदर इस इन्वेस्टमेंट की इनकम इंक्लूडेड है ना. अगर ट्रेडेड होता तो मेरे बिजनेस की कहलाती, लेकिन ये नॉन ट्रेडेड है तो क्या मेरे बिजनेस की कहलाएगी? क्या नहीं. तो ये इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट जो है एड है उसको क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा. 10% 480 का 10% कितना होता है? 48. मैंने क्या कर दिया? 50 को लेस किया. अब 50 को क्यों लेस किया उसका रीजन समझना. हमेशा किस पे मिलता है? बुक वैल्यू पे. ये तो उसकी क्या थी? मार्केट वैल्यू. और नीचे दे रखा है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था उसकी नॉमिनल वैल्यू कितने रुपए की है? 500 लाख की. तो 500 लाख का 10% मैंने लेस कर दिया तो कितने लेस हो गए? 50. कितने बच गए? 2350. टैक्स को लेस कर दिया तो मेरे पास प्रायोरिटी देनी है रिकॉर्ड में. ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया? 1645. कैपिटल एम्प्लॉयड है 5230. इसमें से इस प्रॉफिट का हाफ क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. चेक कर सकते हो. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? वेट करना. क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया? 5230. उसमें से 1645 का हाफ लेस करना कितना होता है? 822.5. जितना भी आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? रेट ऑफ रिटर्न से. किससे मल्टीप्लाई करूंगा? रेट ऑफ रिटर्न से. कितना आ रहा है? 528.9. अब आपके स्कैनर ने क्या कर रखा है? नॉमिनल प्रॉफिट को डायरेक्टली क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के बिहाफ पे ही कर दिया कैलकुलेट. लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपको नोट डाल के हमेशा किसको प्रायोरिटी देनी है? एवरेज, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. तो करंट ईयर के हाफ प्रॉफिट को मुझे क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा. राइट. अगर आपसे नहीं हो रहा है, आपने क्लोजिंग भी ले लिया, तो आपका पूरा क्वेश्चन कट नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां पे काम अजम्पशंस के बिहाफ पे किया जाता है. राइट. आपको आधे क्वेश्चन में स्कैनर में मिलेगा कर रखा है, सजेस्टेड आंसर में आधे में मिलेगा और आधों में मिलेगा नहीं कर रखा है. कि नहीं, इसने लेस नहीं किया है. राइट, गिवन है. राइट, बात हो गई. सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट आपके पास है, और अभी अभी आपने ये कितना निकाला? 528.9. माइनस करूंगा तो क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट. और सुपर प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने? इसने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पूरा का पूरा काम किससे चलाया है? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड से. राइट,
मेरी बात सभी को क्लियर कि आखिर क्वेश्चंस के अंदर करना क्या पड़ेगा हम लोगों को। अब मैं यही क्वेश्चन आपको दो या तीन बार घुमा फिरा के दिखा सकता हूं, इसके अंदर आप चेक भी कर सकते हैं, देखिएगा और समझिएगा। अभी अभी किया था क्वेश्चन, देखना इधर। गुड्डू लिमिटेड 2017 दिसंबर में 2000, 1000, 1600, वही 480, वही 220, कैपिटल एम्प्लॉयड 12%। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर करवाया गया है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, तो गुडविल इसने खुद ही पहले कैलकुलेट करके कितनी दे दी है, 2000 रुपए की दे दी है। तो जब वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करते हैं तो उसके लिए भी हमें किसका कैलकुलेशन करना होता है, गुडविल का, जबकि इस क्वेश्चन के अंदर गुडविल खुद ने ही क्या कर रखी है, कैलकुलेट करके दे रखी है। तो आपको सेम वही काम करना है जो अभी अभी आपने कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करके किया, बस उसके अंदर किसकी वैल्यू को और ऐड कर देना है, गुडविल की वैल्यू को और ऐड कर देना है, राइट। सेम क्वेश्चन दिखाया मैंने आपको, आगे बढ़ता हूं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, वही 10 लाख इन्वेस्टमेंट, 480 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वही 220, गुडविल इसने इस बार कितने की दे दी है, 5 लाख रुपए की। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम जो अभी अभी आपने किया, यहां पे गुडविल की वैल्यू दे रखी है, गुडविल टू बी वैल्यूड ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, आपको अलग से भी निकालनी पड़ेगी। चलो तो अब घुमा फिरा के अगेन सेम क्वेश्चन, गुन्नू लिमिटेड 2000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मैं दिखा देता हूं, यहां पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इसने कितनी दे दी, 500, वैसे कितनी दे रखी थी पहले, 480। अब नीचे इधर भी इसने वही बात दे रखी है, पूरा का पूरा सेम टू सेम वही क्वेश्चन, और वही आपकी गुडविल कितने रुपए की आ रखी है, 2034 की आ रखी है, राइट। तो ये गुन्नू लिमिटेड का प्यार है इनको, तो इस क्वेश्चन को जरूर आप सॉल्व कीजिएगा। मेरी तरफ से CFR के अंदर आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।